हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए द एकेडमी प्लस फैमिली से। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे OCR की। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। बेसिकली OCR का हम करने जा रहे हैं सिमुलेशन प्रैक्टिकल बाय यूजिंग दी वर्चुअल लैब। दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी इंजीनियर्स के लिए है जो जानना चाहते हैं कि OCR क्या होता है, और खास तौर पर ये वीडियो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए। तो चलिए अब समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से कि OCR होता क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने है एक इमेज, ठीक है। यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखी हुई है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर कोई भी इमेज डिजिटल फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो उसका जो टेक्स्ट है, नंबर है, कंटेंट है, आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। अब ये जो आपके सामने इमेज है, हो सकता है इसकी पिक्चर ली गई हो या फिर इसको स्कैन किया गया हो। तो सिंपली इसका मतलब है कि ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, टेक्स्ट यहां पर लिखा हुआ है, तो ये सभी यहां पर आपका सेपरेटली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर फर्दर आप इस कंटेंट को जो आपने कन्वर्ट किया है, ठीक है, इमेज में से आपने ये जो कंटेंट है निकाल लिया है अलग से, तो अब आप इसको कॉपी कर सकते हो, कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली OCR को हम यूज करते हैं डेटा एंट्री के लिए। जैसे आपका चेक होता है जब आप बैंक में जाते हैं, ठीक है, तो आपके चेक से कुछ इंफॉर्मेशन अगर एक्सट्रैक्ट करनी है तो वहां पर वो इजीली हो जाती है OCR की मदद से। जैसे पासपोर्ट है, ठीक है, जब आप एयरपोर्ट जाते हैं तो वहां पर आपकी इंफॉर्मेशन पासपोर्ट के थ्रू OCR की मदद से एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है। इसी तरीके से आपके व्हीकल का ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन होता है बाय यूजिंग दी OCR। तो सबसे पहले आपको टाइप करना है गूगल में वर्चुअल लैब, और यहां पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा कंप्यूटर साइंस का, तो सिंपली यहां पर आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको काफी सारी लैब्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहां पर आप सिलेक्ट कर लें मशीन लर्निंग लैब को। एंड दिस लैब इज बेसिकली अंडर द सुपरविजन ऑफ IIT बॉम्बे, तो यहां पर आप क्लिक कर लें। तो जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको एक्सप्लोर का, यहां पर आप क्लिक कर लें। इसके बाद यहां पर आपको लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे लास्ट में आपको मिलेगा केस स्टडी एक्सप्लेनिंग फंक्शन ऑफ ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, तो यहां पर आप क्लिक कर दें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस लैब को यूज करने के लिए आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन, और दूसरी बड़ी बात कि आपको कोई भी सेपरेटली सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना है इस लैब को यूज करने के लिए, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। एम आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, तो थ्योरी में आपको यहाँ पर काफी सारे कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है, आप इसको रीड कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर दिखाऊंगा सिमुलेशन करके, ठीक है, तो ये काफी सारा कंटेंट है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं बाद में, ठीक है। अगर मैं इसको अभी समझाने लग गया तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको डायरेक्टली जो प्रैक्टिकल है वो करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली यहां पर आपको क्लिक करना है सिमुलेशन पर, ओके। इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस यहां पर दिख जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप देख सकते हैं नो इमेज एडेड, हमने कोई भी इमेज अभी ऐड नहीं की है। तो सबसे पहले आपको चूज फाइल यहां पर सिलेक्ट करना है, और ये आपसे पूछेगा कि इमेज आपको यहां पर अपलोड करनी है। उसके बाद सिंपली आपको रन करना है। तो यहां पर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से एक एग्जाम्पल लिया है। आपको सिंपली ओपन करना है गूगल बुक्स, ठीक है। गूगल बुक्स आप जानते ही हैं कि जो भी बुक होती है उसका स्कैन्ड इमेज यहां पर होता है, ठीक है, स्कैन किया हुआ इमेज होता है। आप इस कंटेंट को कॉपी नहीं कर सकते, ना ही डाउनलोड कर सकते, ये जो कंटेंट आपके सामने है, ठीक है। तो सिंपली इतना जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इतना पोर्शन इसका मुझे OCR टेक्निक की मदद से कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं कि जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर उनको यहां से कोई भी कंटेंट पसंद आता है, ठीक है, गूगल बुक्स में से कोई भी टॉपिक पसंद आता है, तो वो इसका एक पिक्चर खींच लेते हैं या फिर इसका ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, तो वो काफी हेल्पफुल नहीं होता है, ठीक है। तो बेटर तरीका है कि यहां पर आप सबसे पहले जो भी आपको टॉपिक पसंद आता है, जो कंटेंट आपको कन्वर्ट करना है, उसका एक पिक्चर ले लें, ठीक है, और उस पिक्चर को आपको यहां पर सिलेक्ट करना है, अपलोड करना है। मैं ऑलरेडी इसकी पिक्चर ले चुका हूं,
अब सिंपली वहां पर इसको अपलोड कर लेते हैं और कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, चलिए बैक टू द सिमुलेशन। यहां पर हम सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं इमेज को, तो OCR के नाम से मैंने यहां पर सेव की हुई है। तो चलिए इसको ओके, फाइल आपकी एक्सेप्ट हो चुकी है, ओके करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर फाइल आपकी, इमेज आपकी अपलोड हो चुकी है। तो अब आपको सिंपली रन करना है, रन कर दीजिए और यहां पर ये प्रोसेस हो रहा है। नाउ फाइनली हमने इमेज में से जो टेक्स्ट है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है, आप यहां पर देख सकते हैं। अब मैं इस कंटेंट को इजीली कॉपी कर सकता हूं, आप देख सकते हैं मैं इजीली कॉपी कर पा रहा हूं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो यहां पर आप देख सकते हैं हर एक टेक्स्ट, हर एक नंबर को यहां पर रीड किया गया है। तो यहां पर बाउंड्री भी आपकी विजिबल हो चुकी है, जिस जिस वर्ड को या फिर टेक्स्ट को यहां पर एक्सट्रैक्ट किया गया है उसके लिए बाउंड्री यहां पर डिक्लेयर हो चुकी है। तो दोस्तों आपने देखा कितना आसान तरीका है, सिंपली आपको अपनी इमेज यहां पर अपलोड करनी है और विद इन फ्यू सेकेंड्स आपकी जो इमेज में कंटेंट है वो आपका यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा टेक्स्ट या फिर नंबर की फॉर्म में। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।